असलामिक फ्रेंड्स, क्या हाल चाल ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी अभी मैंने एक व्लॉग जो है अपना खत्म किया, तो वो अभी यहाँ पे रेंडर हो रहा है, तो इसके बाद मैं उसे अपलोडिंग पे लगा दूंगा। तो वो इंशाल्लाह सुबह, मैं अभी सोच रहा हूँ कि सही टाइम उसे अपलोड करूँ या फिर मैं जो जब 3 बजे या 11 बजे अपलोड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं यही सोच रहा हूँ। तो ये मैंने जो लाइट लगाई थी ना अपने चेहरे पे, तो वो अभी मेरे ख्याल उसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो बंद होने जा रही है। पहले मैं इसे चार्जिंग पे लगा दूँ ताकि ये चले तो अच्छी तरह से चले। हाँ जी, तो अभी ठीक है। तो अभी ये लाइट है जो चार्जिंग पे लगी है, तो जो मेरी अभी जुबान है ना, तो वो साथ नहीं दे रही बोलने में, क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस थी बोलने में वो काफी ज्यादा खत्म हो गई है। तो बात ये मैंने करनी थी कि मैं आज का व्लॉग जो है वो ज्यादा कम क्यों बना रहा हूँ। तो उसकी वजह यह है कि मेरे पास करने को कुछ है नहीं, तो मैं जो अपनी घरेलू लाइफ है वो भी सारी आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, मेरी भी होती है। तो इस वजह से जो घरेलू लाइफ है तो वो मैं इस तरह दिखाता हूँ कि सिर्फ मेरे तक मैं दूर रहे और बस। तो इसी तरह जो काम है वो चल रहा है, तो कोई टूर वगैरह जो है वो हो नहीं रहा दोस्तों के साथ जो है, तो बस क्या बताएं। तो इसी तरह जो है व्लॉग्स हैं वो चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी है कि जो यूट्यूब है इससे कोई मेरी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, तो सब्सक्राइबर्स भी अभी फिलहाल नहीं आ रहे, बिल्कुल खत्म है। तो जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट कर लें या इस तरह समझ लें कि इसे मैंने साइड पे कर दिया फिलहाल के लिए, ताकि अगर कोई मेरी आमदनी का जरिया बन जाए, अच्छा जरिया जो मैं चाह रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह जो यूट्यूब को भी साथ साथ एक साइड से चलते रहेंगे। और इसीलिए मैं जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा कम डाल रहा हूँ। और जिंदगी में भी कुछ मामला ऐसे हैं कि कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो इतनी मेहनत भी करनी है और आपने भी बोर होना है और वीडियोस या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, तो फायदा कोई नहीं थी मेहनत करने का, क्योंकि सारी जो दिन है वो वीडियो बनाने में निकल जाती है और जो रात है तो वो एडिटिंग में निकल जाती है और अपलोडिंग में निकल जाती है। तो उससे अच्छा ही है कि फिर वीडियोस जो बनाए जाएं तो वही बनाए जाएं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो और कोई 4-5 दिन बाद बने, ताकि आपको भी वीडियोज मिलते रहे और ये चैनल चलता भी रहे, बंद भी ना हो। तो यही कोशिश है जी, इसी कोशिश के लिए मैं कोई वीडियो जो है वो बना के डाली जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने मुकम्मल जो चैनल को स्टॉप नहीं किया, तो मेरी कोशिश है कि कोई ऐसा सेटअप मैं बना लूं कि जिससे मेरी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाए। तो शवामा बिजनेस जो एक ठेला जिसे कह लें कि स्टॉल कह लें, वो मैंने लगाया था, तो वो कह लें कि बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। तो दोबारा सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में, लेकिन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ना सोच, तेरे लिए बेहतर है। तो देखेंगे ये क्या बनता है, मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, तो अगर वो हो सका तो वो करेंगे। अभी फिलहाल वो भी ऐसा ही काम है कि दोस्त यही कह रहे हैं कि भाई तेरे बस का काम नहीं है तो ना कर। तो देखेंगे कि क्या बनता है, क्या लिखा है लाइफ में। तो इसी तरह जो काम है वो कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे ख्याल से जो बातें हैं वो कुछ ज्यादा ही होंगी, 4 मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी तक के लिए। तो मैं जो बात आपको बताने चाह रहा था कि मैंने बाइक में जो बैटरी डलवाई थी, तो उसके बाद मैंने आपको बाइक का जो भी है अपडेट नहीं दी कि मैंने उसमें लाइट्स हैं वो अपडेट करी हैं, तो वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं अभी। तो बाइक मैंने आज बाहर निकाली थी, लेकिन मैंने मोटो व्लॉग नहीं किया, क्योंकि जो मोटो व्लॉग सेटअप की क्वालिटी है ना, मुझे पर्सनली तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं करता मोटो व्लॉग करने का, क्योंकि जो उसके माइक की क्वालिटी है तो मुझे तसल्ली नहीं होती। जिस तरह के व्लॉग्स मैं देख रहा हूँ मोटो व्लॉग, तो उस तरह की क्वालिटी लाने के लिए तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं कर सकता, अभी इस पोजीशन में मैं नहीं हूँ। तो इसलिए फिर मोटो व्लॉग मैंने नहीं किया। तो अभी मैं चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं कि कौन सी लाइट्स हैं जो मैंने अपनी स्पोर्ट्स बाइक में डलवाई हैं। 125 में जो डलवाई थी वो तो आपने देख ली है, स्पोर्ट्स बाइक में जो डलवाई हैं वो दिखाऊंगा आपको कि वो कौन सी लाइट्स हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, फिर जाकर देखते हैं। तो गाइस एक व्लॉग जो है वो अपलोड हो चुका है, तकरीबन अपलोडिंग पे लगा दिया, तकरीबन 7 मिनट में अपलोड भी हो जाएगा। तो टाइमिंग मैंने सेट कर दी उसकी 11:30 की, तो सुबह इंशाल्लाह 11:30 बजे ये व्लॉग लाइव हो जाएगा, तो आप देख लेंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अभी नीचे चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं बाइक। तो गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं और घर वाले सारे सो रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा ऊंची आवाज में बाहर नहीं करूंगा और बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये खड़ी है जी मेरी बाइक, तो कपड़ा इसका यहाँ पे पड़ा हुआ, तो बाइक मैंने ढांपी नहीं इसी तरह खड़ी की थी, क्योंकि आज ही मैं लेके गया था चलाने के लिए। वैसे आपको पीछे गाड़ी नजर आ रही होगी, तो ये हमारी वही कल्टस है, तो भाई हमारी कल्टस लेके आ गए थे और अपनी माशाल्लाह गाड़ी है वो रजिस्टर करवा के ले गए। तो अभी आपको लाइट्स जो इसकी है वो मैं चला के दिखाता हूँ, तो इस यहीं घर पे ही दिखाऊंगा, बाहर निकाल नहीं सकता।
तो यहीं पे दिखाते हैं कि कौन सी लाइट है जो वो मैंने दिलवाई में इसमें। भी जो इंजन है वो ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 3:03 हुए हैं, तो ये टाइम जो है वो 1 घंटा आगे, तो इसका मतलब 2 बज चुके हैं रात के। अभी इसे ऑन कर लेते हैं इसके स्विच को। तो इसकी जो ये वाली सुई है ना, ये खराब हो गई है, तो मीटर की सेटिंग मेरे से खराब हो गई थी जिसकी वजह से ये सुई भी खराब हो गई है। तो अभी मैं आपको लाइट्स इसकी ऑन करके दिखाता हूँ। ये तो पार्किंग लाइट्स हैं, ये लाइट वो चेक करें आप, काफ़ी ज़्यादा जो है ये ब्राइट लाइट हैं, वाइट लाइट डलवाई हैं और ब्राइट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी दिन रात के वक्त आपको डेमो दूंगा। ये इसका फ्लैशर है, आप देख सकते हैं फ़र्क वाजे है सामने किस तरह। अभी बंद करके चलाते हैं फ्लैशर को, ये चेक करें, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है ये। तो ये आपको किसी दिन रात के वक्त मैं डेमो करवाऊंगा। तो ये बाहर ढोल बज रहा है, शहरी के लिए जगाने आ गए, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये देखें जी, मिट्टी पर पड़ के इस बाइक की क्या आदत होगी। ये ऐसा नहीं है कि मैंने चलाया नहीं कभी, ये चलाता हूँ बस का। रात जो है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी जिसकी वजह से यार डिस्टर्ब हो गया हूँ, ढोल काफ़ी ज़्यादा तेज़ बज रहा है। जैसा कि आपने देख लिया कि ढोल जो है वो बजाना शुरू हो गया है अगली शहरी के लिए। तो एक जो 11वां रोज़ा है तो वो तो आपने इंशाल्लाह देख लिया, तो मैंने सोचा चलो 12वां रोज़ा है वो भी व्लॉग करते हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। तो ये बाइक का स्विच ऑन ही रह गया, बंद कर देते। अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं, तो अम्मी जी भी उठ चुके हैं और शायरी की तैयारी वो कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कि क्या पका है शायरी के लिए। जो है मैं किचन में आ गया हूँ तो देखने के लिए कि क्या पका है इस शायरी में। तो आज बनाए जी आलू शोरबा और साथ उबला हुआ अंडा, तो आजकल यही बन रहा है तो यही खा रहे हैं। हो गया जी अफ्तारी की तैयारी का टाइम। तो अभी वैसे बजे तो 3 है, तो यहाँ पे गोश्त पड़ा है धोने वाला, तो ये अभी धो लेते हैं यहाँ पे। वहाँ पे फ्रूट है वो भी धोने वाला पड़ा है, पहले इसे धो लेंगे। तो आज मेरे ख्याल से चाला ताला वो बनेंगे रोस्ट, पोस्ट का रोस्ट। एक तो मेरे बाल जो हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, तो वो भी कटवाएंगे। तो आज देखेंगे टाइम लगेगा तो जाएंगे तो बाल कटवाएंगे। इस साइड से तो छोटे हैं, ये जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, तो ये छोटे करवाएंगे, सेटरों से भी सेट मेट करवा लेंगे। आज अफ्तारी में जी चिप्स बन रही है, तो बेसन वाली चिप्स भी बनाते होते हैं, ये सिंपल चिप्स होती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, तो आज हम ये बना। चलिए जी 12वां रोज़ा भी वो भी इंशाल्लाह गुजर गया, तो अल्लाह ख्याल करेगा इंशाल्लाह इसी तरह बाकी रोज़े भी इंशाल्लाह रखे जाएंगे और इफ्तार भी के जाएंगे। तो दिखाने को और कुछ है नहीं मेरे पास, तो ये व्लॉग यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।